नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि इस वीडियो में हम क्रैक्स को रिपेयर कैसे करते हैं। नॉर्मली हमारी किसी भी टाइप की बिल्डिंग हो तो उसमें क्रैक्स आ ही जाते हैं, उसके अलग अलग रीज़न होते हैं, उनको हम इस बार डिस्कस नहीं करेंगे, बट उनको हम रिपेयर कैसे करते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा जो मेथड है उसको हम बोलते हैं इपॉक्सी इंजेक्शन। ये क्या होता है हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ग्रूविंग एंड सीलिंग, स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स, एडिशन ऑफ रेनफोर्समेंट एंड ग्राउटिंग, फ्लेक्सिबल सीलिंग बाय सीलेंट। ओके, तो इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिसको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो रेड कलर का बटन है इसको आप प्रेस कीजिए, साथ ही साथ जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इसमें ऑल नोटिफिकेशन भी आप क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इन सबका बेनिफिट ले सकें। मेथड ऑफ क्रैक रिपेयर, क्रैक को रिपेयर करने का एक प्रॉपर मेथड होता है जो कि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये क्रैक्स क्यों आते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग रीज़न होते हैं इनके आने के, और ये क्रैक्स धीरे धीरे हमारी बिल्डिंग की लाइफ को कम करते हैं। मटेरियल धीरे धीरे कम हो जाएगा, मटेरियल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और हमारे बिल्डिंग की लाइफ धीरे धीरे ये कम कर देता है। ओके, तो फर्स्ट मेथड है हमारा इपॉक्सी इंजेक्शन और प्रेशर इंजेक्शन। ओके, नॉर्मल अगर लैंग्वेज में मैं बताऊं आपको तो इसमें क्या होता है, जैसे ये आप फोटो में देख रहे हैं, इसमें एक काफ़ी बड़ा क्रैक है और इसको हम सीमेंट मोर्टार से रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट ये क्या होगा, हम इसके ऊपरी सरफेस पे जो हमारा टॉप सरफेस है उस पे हम मोर्टार से इसको फिल कर देंगे, बट काफ़ी सारा स्पेस जो दीवार के बीच में है जहाँ तक हमारा मोर्टार नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे ये स्पेस काफ़ी बच जाता है, ठीक है, जिससे उसके अंदर एयर बनी रहती है और वो रिपेयर एक अच्छे से रिपेयर किया हुआ नहीं माना जाता, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे जब कोई क्रैक काफ़ी गहराई तक हो और उसको रिपेयर करना मुश्किल हो तब हम इस इपॉक्सी इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, तो देखिए इपॉक्सी इंजेक्शन इज़ एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर बॉन्डिंग क्रैक्स कंक्रीट सेक्शन। ओके, कंक्रीट सेक्शन है उनको हम अच्छे से बॉन्ड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इपॉक्सी इंजेक्शन कैन बी यूज्ड टू रिस्टोर स्ट्रक्चरल साउंडनेस ऑफ बिल्डिंग। स्ट्रक्चरल साउंडनेस का मतलब यहाँ आवाज़ से नहीं है, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है, साउंडनेस का मतलब होता है अच्छा, ओके, गुड क्वालिटी का, यानी कि जो परफॉर्म अच्छी करे, ठीक है, उसको साउंड भी बोलते हैं। जैसे साउंड ब्रिक, ब्रिक का आवाज़ नहीं, ये एक अच्छी ब्रिक के बारे में बोला जाता है, दिस ब्रिक इज वेरी साउंड क्वालिटी। ओके, तो हम उसकी आवाज़ से नहीं उसकी अच्छी क्वालिटी से इसको मेजर करते हैं। ओके, ब्रिज एंड डैम वेयर क्रैक्स आर डोरमेंट और कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग फर्दर। ओके, डोरमेंट का मतलब क्या होता है, डोरमेंट का मतलब होता है जो शुरुआती स्टेज में क्रैक्स होते हैं जिसको हम जनरली नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है, उनको हम अवॉइड कर देते हैं, और उनको अवॉइड करना नहीं चाहिए क्योंकि वो धीरे धीरे उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ पे इफेक्ट डालते हैं और हमारा स्ट्रक्चर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। क्रैक्स एज नैरो एज 0.5 mm कैन बी बाउंडेड बाय इपॉक्सी इंजेक्शन। ओके, तो इसमें हम जो साइज हमारा 0.05 mm से भी बारीक होता है उससे भी हम रिपेयर कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये तो क्रैक काफ़ी बड़ा है साइज़ में, बट 0.05 mm तक के क्रैक को हम इससे अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब करते कैसे हैं आइए देखते हैं। ये देखिए,
ये हाथ में एक इंजेक्शन टाइप का इस आदमी ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। इससे ये क्या कर रहा है, सबसे पहले हमारा तरीका क्या होगा, जो क्रैक है उसको हमने अच्छे से सीमेंट मोर्टार से अच्छे से इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अच्छे से इसको फिक्स करने के बाद अब दीवार के अंदर काफ़ी सारा स्पेस, काफ़ी सारी कैविटी बची रह जाती है, अब उसको हम फिल कैसे करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे पिन होल यानी कि ड्रिल मशीन से हमने इसमें होल किए हैं, और वहाँ पे एक अरेंजमेंट ऐसा किया है कि इंजेक्शन वहाँ पे अच्छे से फिट हो सके, ओके। तो उन होल में हमने इंजेक्शन को फिट किया और प्रेशर से जो इसके अंदर मटेरियल है इपोक्सी उसको अंदर प्रेस किया, ओके। अब वो इंजेक्शन का मटेरियल बाहर तो नहीं आ पाएगा क्योंकि हमने बाहर से इसको अच्छे से सील कर दिया है, ठीक है। अब वो जितना भी प्रेशर है उस प्रेशर की वजह से वो अंदर कैविटी के अंदर ही जाता जाएगा, ठीक है, और कैविटी पूरी पूरी फिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोसेस इपोक्सी इंजेक्शन का, ठीक है। इसके अंदर मटेरियल जो होता है वो काफ़ी अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड के आते हैं जिससे हम यूज कर सकते, काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, ठीक है। ये इसमें देखिए लिखा भी यही है, इन दिस मैटर होल्स एट क्लोजर इंटरवल अलोंग द क्रैक्स आर ड्रिल्ड, ठीक है। ड्रिल किया जाता है कुछ होल्स थोड़े थोड़े डिफरेंस पे, ठीक है, क्रैक को अच्छे से सील करने के बाद, ठीक है। इपोक्सी अंडर प्रेशर इज इंजेक्टेड टू सील द क्रैक, ओके। जो भी इसके अंदर इपोक्सी हम उसको प्रेशर के साथ इंजेक्ट करते हैं, और दिस मेथड कैन नॉट बी यूज इफ द क्रैक्स आर एक्टिवली लीकिंग, ठीक है। एक्टिवली लीकिंग का मतलब क्या है, जब यहाँ से कोई भी पानी लीक कर रहा हो तब वहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करते, ठीक है। एक्टिव लीकिंग का मतलब कंटिन्यूसली वहाँ से लीकेज हो रही है, पहले हमें लीकेज को रोकना होगा, अच्छे से उसको सुखाना होगा, ड्राई करना होगा क्रैक को, तब हम इस मेथड को उसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो मोइस्ट क्रैक्स कैन बी इंजेक्टेड बट वाटर और अदर कंटेमिनेंट्स इन द क्रैक रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ इपोक्सी रिपेयर, ओके। अगर उसके अंदर पानी होगा या मॉइस्चर होगा या कोई भी कंटेमिनेंट्स होंगे तो वो हमारी इफेक्टिव जो स्ट्रेंथ मिल सकेगी उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। काम तो ये उसमें भी करेगा बट ड्राई की कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रेंथ कम होगी, ओके। सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंजेक्शन मटेरियल, इंजेक्शन जो हम कर रहे हैं मटेरियल का उसकी अंडरस्टैंडिंग, और जो दीवार का या किसी भी अलग स्ट्रक्चर का क्रैक है उन दोनों का अच्छे से एक दूसरे के साथ तालमेल सही बैठेगा या नहीं बैठेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग इस इफेक्ट को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है, ओके। और सीक्वेंस ऑफ स्टेप जो हमने इसमें अपनाए हैं उनका भी। नेक्स्ट है हमारा ग्रूविंग एंड सीलिंग। जैसे आप ये देख रहे हैं ये एक दीवार है उसमें क्रैक आया हुआ है, अब ग्रूविंग एंड सीलिंग का मतलब क्या होता है, जो क्रैक डोरमेंट होते हैं, डोरमेंट का मतलब है नॉट एक्टिव, इसको हम अगर खेत की भाषा में बोले तो जो जमीन बंजर हो जाती है उसको भी डोरमेंट मिल जाता है, ठीक है, बांझ जमीन को, ठीक है, बंजर जमीन को डोरमेंट। इसमें बंजर का मतलब क्या हुआ, जो हमारी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को ज़्यादा अफेक्ट ना करे, ओके, उनको बोलते हैं डोरमेंट और नॉट एक्टिव क्रैक्स, उन पे हम ग्रूविंग एंड सीलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। ये क्या होती है, ये देखिए ये एक फाइन क्रैक है, बारीक बिल्कुल क्रैक है, इसको हमने क्या किया, पहले ये देखिए इसका साइज 1/4 डबल डैश, जब किसी नंबर पे लगाया जाता है तो इसका मतलब होता है इंचेस, ओके, 4 इंच इसका मतलब ये है, 1/4 इंच का मतलब हो गया 1 इंच का 4th पार्ट, ओके, 1/4 इंच हम यहाँ पे कट लगाएंगे, ठीक है, कटिंग टूल से यहाँ पे एक कट लगाएंगे क्रैक के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्रैक के ऊपर कट लगाएंगे, जितना भी मटेरियल होगा उसको अच्छे से ब्रश के साथ जो भी हमारी
वायर ब्रश होती है उसका यूज़ करके हम मटेरियल को यहाँ से बिल्कुल हटा देंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हम जो सीलेंट हमारे पास है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका हम ऐसे क्यों करते हैं, ग्रू करने का मेन रीज़न क्या होता है, इतने ज़्यादा फाइन क्रैक में जब हम मटेरियल को अंदर डालने की कोशिश करते हैं तो अंदर नहीं जा पाता, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले यहाँ पे एक ग्रू एक कट लगाते हैं और उसके ऊपर हम मटेरियल को अप्लाई करते हैं, ओके। इन दिस मेथड इन्वॉल्व्स एनलार्जिंग द क्रैक्स, क्रैक को पहले बढ़ा देते हैं, एनलार्जिंग, एनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना। इट एक्सपोज फेस फॉर सीलिंग विद सूटेबल मटेरियल, और जो मटेरियल उस पर सूटेबल हो उसको हम वहाँ पे लगाएंगे एक्सपोज फेस पे। दिस मेथड इज सूटेबल फॉर सीलिंग बोथ फाइन क्रैक्स एंड लार्ज आइसोलेटेड क्रैक्स एंड अदर डिफेक्ट्स, ओके। जो काफ़ी ज़्यादा फाइन क्रैक्स हैं, काफ़ी बारीक क्रैक्स हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े क्रैक्स हैं, उनको भी ये ट्रीट करने के लिए काफ़ी अच्छा मेथड है। इन दिस मेथड द सरफेस ऑफ ग्रूव जॉइंट्स एंड लार्ज क्रैक इज क्लीन विद ब्लोन ऑफ एयर, हवा के द्वारा जो हवा ब्लो करते हैं हम प्रेशर से उससे भी इसको साफ कर सकते हैं, या फिर वायर ब्रश की मदद से भी हम जनरली साइट पे इसको साफ करते हैं, ओके। फिर उसको कुछ देर सूखने के लिए और उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं अपना सीलेंट, ओके। द पर्पज ऑफ सीलेंट इज टू प्रोवाइड ए बैरियर टू वाटर फ्रॉम रीचिंग द रेनफोर्सिंग स्टील, ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मेन रीजन मेन पर्पस क्या होता है कि हम अंदर ये देखिए फाइन क्रैक में से पानी धीरे धीरे अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम इसको रिपेयर नहीं करेंगे, रिपेयर नहीं करेंगे पानी अंदर जाता जाएगा तो इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट होगा जो स्टील बार्स होंगे उसको ये अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, उसमें रस्टिंग होगी, जंग लगेगा और हमारा जो मेंबर है स्ट्रक्चरल मेंबर है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ओके। दिस हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ मॉइस्चर प्रॉब्लम एज फार एज साइड ऑफ द मेंबर। इपोक्सी कंपाउंड आर ऑफन यूज एज सीलेंट, ओके। काफ़ी सारा हम इसको यूज़ करते हैं और इपोक्सी कंपाउंड जो है उसको हम मोस्टली इस मेथड में यूज़ नहीं करते, ओके। अलग टाइप के हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा थर्ड मेथड स्टिचिंग। स्टिचिंग आपको पता ही है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं टाके लगाना, ठीक है। तो टाके हम देखते हैं ये चाहे कपड़े पे भी होते हैं टाके लगते हैं, स्किन पे भी जब कोई कट लग जाता है चोट लग जाती है तो वहाँ पर भी टाके लगाए जाते हैं, और ऐसे ही जब दीवार में कोई क्रैक आता है तो वहाँ पर भी टाके लगाए जाते हैं, ओके। तो ये फोटो मैंने इसलिए दिखाई कि आपकी मेमोरी में ये सेट हो जाए, स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स, ओके। तो स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स बिल्कुल सेम प्रोसेस है। देखिए ये कुछ स्टेपल्स होते हैं, स्टेपल्स, स्टेपलर आपने देखा होगा जो पेपर को स्टेपल करने का काम होता है उसके अंदर जो स्टेपलर के अंदर पिन होती हैं वो भी ऐसी दिखाई देती हैं, ओके। तो ये आप देख सकते हैं इसका साइज इसमें बताया गया है लगभग 12 इंच वाइड, ठीक है, 12 इंच वाइड ये होती हैं, और जहाँ पर भी क्रैक होता है इसको उस क्रैक के आसपास ऐसे इंसर्ट कर देते हैं ड्रिल करके, ठीक है। और जो भी मटेरियल, सॉरी, जो भी इसके अंदर सीलिंग करने के लिए कंपाउंड हम यूज़ करते हैं उसको हम इसमें डाल देते हैं, जो भी होल इसमें बसता है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स ड्रिलिंग होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ क्रैक, ये जो क्रैक है इसके दोनों तरफ ड्रिल मशीन से होल किया जाता है, सबसे पहले क्लीनिंग द होल एंड एंकरिंग द लेग्स ऑफ स्टिचिंग डोब्स, इसको स्टिचिंग डोब बोलते हैं, यू शेप मेटल लाइक द शॉर्ट लेग्स, ओके। यू शेप है इसकी और इसको स्टिचिंग डोब्स भी बोलते हैं। द स्पैन ऑफ क्रैक विद आइदर ए नॉन श्रिंक ग्राउट और ए एपोक्सी रेजिन बेस बाउंड सिस्टम, ओके। ड्रिल मशीन से हम जो होल करते हैं उसमें इनकी लेग को अंदर से ऐसे सेट कर देते हैं, ओके। सेट करने के बाद ये जो होल के अंदर हम इपोक्सी रेजिन का जो मटेरियल है वो फिल कर देते हैं, या फिर कोई अलग
ग्राउट हम इसमें डालते हैं ताकि ये अच्छे से इसको बाउंड कर दे, जो भी हमारा स्टेपल ये है उसको अच्छे से यहाँ पे ये बाउंड कर दे। इन केस ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर द स्टिचिंग इज डन ऑन द टेंशन फेस। ठीक है, जो फ्लेक्सुरल मेंबर है उसमें स्टिचिंग की जाती है टेंशन फेस पे, ना कि कंप्रेशन फेस पे। ओके, इन वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर द क्रैक मस्ट बी फर्स्ट मेड वाटर टाइट बिफोर स्टिचिंग द बिगनिंग बिफोर स्टिचिंग बिगिंस। द क्रैक स्लैब कैन बी रिप्लेस्ड बाय द बाय दिस टेक्निक। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा मेथड होता है जब हम स्टेपल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है एडिंग रेनफोर्समेंट एंड ग्राउटिंग। ओके, सिंपल वे में हम इसको अगर बताएं तो ये क्या होता है, जैसे ये आप फोटो देख रहे हैं, इसमें एक बीच में क्रैक है। ठीक है, क्रैक के ऊपर हम जितना हो सकता है वो सीमेंट ग्राउट या सीमेंट मोर्टार से इसको अच्छे से सील कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इसमें 90 डिग्री के एंगल पे रेनफोर्समेंट को ऐसे आर पार ड्रिल करके ऐसे इंसर्ट कर देते हैं। ये इसके नीचे का हम दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये ऐसे है कि जो भी क्रैक लाइन होगी उसको ये पार करके आगे तक इसको अच्छे से एंकर कर देता है रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये तरीका है रेनफोर्समेंट का क्रैक को रिपेयर करने का। ठीक है, द क्रैक्ड रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर कैन बी सक्सेसफुली रिपेयर्ड बाय इंसर्टिंग एडिशनल रेनफोर्सिंग बार एंड सप्लीमेंट इपोक्सी इंजेक्शन। ओके, इपोक्सी इंजेक्शन को हम इन होल्स में जो अगर स्पेस बचता है तो उसमें हम अच्छे से इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए इन दिस मेथड द क्रैक्स इज सील्ड फर्स्ट। सबसे पहले हम क्रैक को अच्छे से सील करते हैं, ऊपर से हमने जैसे देखा सीमेंट मोर्टार से या सीमेंट ग्राउट से अच्छे से उसको सील कर देते हैं। देन होल्स ऑफ 20 mm डायमीटर आर ड्रिल साइडों में दोनों तरफ क्रैक के 20 mm डायमीटर का ड्रिल होल करते हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल पे होगा। ठीक है, ये रेनफोर्सिंग बार हम जो यूज़ करते हैं वो 12 से 16 mm का हम यूज़ करते हैं। ओके, फाई का मतलब होता है डायमीटर। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, जब आप साइट पे जाते हैं काफ़ी जगह आपको सिविल इंजीनियर काम करना होगा तो फाई का मतलब आप हमेशा डायमीटर ही होता है। ठीक है, एक्सटेंडेड एटलीस्ट 500 mm। ठीक है, आधा मीटर लेंथ का लगभग ये बार होता है, उसको हम इस होल में इंसर्ट करते हैं जो कि हमने होल किया है 12 mm का। ओके, ऑन ईच साइड ऑफ द क्रैक इज प्लेस्ड इनटू द ड्रिल होल। ड्रिल होल के अंदर हम इसको प्लेस कर देते हैं। द होल एंड द क्रैक प्लेन इज फिल्ड विद इपोक्सी कंपाउंड पम्प्ड अंडर लो प्रेशर। लो प्रेशर के साथ हम इसके अंदर जो होल है उसमें हम जैसे 20 mm का हमने होल किया है उसके अंदर हम 16 mm का अगर बार डालते हैं तो 4 mm का स्पेस उसमें बचता है। ठीक है, तो 4 mm के स्पेस में हम अपना इपोक्सी कंपाउंड को अंदर डाल देते हैं, अंदर प्रेशर के साथ धीरे धीरे उसमें डाल देते हो ताकि वो अच्छे से उसको बाउंड कर सके। ठीक है, द रेनफोर्सिंग बार कैन बी स्पेस्ड एज पर नीड ऑफ द रिपेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो रेनफोर्सिंग बार है उसकी स्पेसिंग कोई भी फिक्स नहीं है, जैसी आपकी ज़रूरत है रिपेयर के अकॉर्डिंग वैसे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, द इपोक्सी कंपाउंड प्रोवाइड बॉन्ड टू बार विद द साइड ऑफ द होल। ठीक है, बार और साइड ऑफ होल के साथ अच्छे से बाउंड कर देता है हमारा इपोक्सी कंपाउंड। फिल्स द क्रैक, जो क्रैक है उसको अच्छे से फिल कर देता है। मेक द क्रैक सरफेस ए मोनोलिथिक वन। ठीक है, मोनोलिथिक एक सरफेस मोनोलिथिक होता है, एक जैसा सरफेस वो क्रिएट कर देता है। समटाइम द डैमेज पोर्सन इज फर्दर रेनफोर्स्ड विद वेल्डेड मैश नियर द सरफेस यूजिंग सुटेबल इपोक्सी कॉन्क्रीट फॉर एम्बेडमेंट। ठीक है, कई बार ये जो वायर मैश होती है, ठीक है, ये लोहे की जाली होती है एक टाइप की, इसको हम चिकन मैश भी बोल देते हैं, वायर मैश भी बोल देते हैं, तो अलग अलग नाम से अलग अलग शेप की ये
वो जाली होती है, उसका भी यूज करते हैं कई बार हम रेनफोर्समेंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका सबसे इजी मेथड होता है जो आपने कई बार यूज भी किया होगा अपनी साइटों पे, फ्लेक्सिबल सीलिंग बाय सीलेंट। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं ये क्रैक है और ये इस पे एक सीलेंट का एप्लीकेशन किया जा रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं रोड का एक जॉइंट है और जॉइंट के अंदर जो बिटुमिनस सीलेंट है उसका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही एक टाइप का और क्रैक है और जो सीलिंग मटेरियल है ये अलग है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल ये होता है सीलेंट। इन दिस मेथड एक्टिव क्रैक्स आर क्लीन्ड बाय सैंड ब्लास्ट और वाटर जेट। इसका मतलब क्या है, जो क्रैक हमारे सामने है उसको हम अच्छे से क्लीन करते हैं ताकि उसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी कंटेमिनेंट पेड़ पौधे बीज वगैरह उसके अंदर ना हो। ठीक है, अच्छी सफाई करने के लिए हम सैंड ब्लास्ट और वाटर जेट। सैंड ब्लास्ट का मतलब क्या है, जिसमें हम काफ़ी प्रेशर के साथ हवा को उस पर ब्लो करते हैं और वाटर जेट पानी की बौछार उस पर अच्छे से करते हैं, और बोथ दोनों को भी हम कर सकते हैं। फील्ड विद सूटेबल फील्ड मोल्डेड फ्लेक्सिबल सीलेंट, अब उसको हम अच्छे से फिल कर देते हैं जो कि वहाँ पे अवेलेबल मोल्डेड फ्लेक्सिबल सीलेंट हो। द स्लोट और ग्रूव ऑफ द सीलेंट शुड हैव ए सूटेबल विड्थ एंड शेप, जो उसकी क्रैक की लेंथ है वहाँ पे इसकी शेप, जो क्रैक की शेप है उसको हम अच्छे से पहले ग्रूव करेंगे ताकि सीलेंट उस पर अच्छे से अप्लाई करे और अच्छे से वहाँ पे चिपक सके। ठीक है, द एक्टिव क्रैक मे बी सील्ड विद फ्लेक्सिबल सरफेस सील वेयर द अपीयरेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इसके अंदर अपीयरेंस की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आर्किटेक्चरल हम दूर से इसको सुंदर भी दिखाना चाहते हैं और क्रैक को रिपेयर भी करना चाहते हैं तब उसमें हम कोई और मटेरियल यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे हम जनरली ऐसा यूज़ करते हैं जो कि फ्लेक्सिबल आइटम हमारे पास मिलता है। ए बोन्ड ब्रेकर इन फॉर्म ऑफ ए पॉलीथीन स्ट्रिप शुड बी प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ स्लोट। द बोन्ड ब्रेकर अलाउज द सीलेंट टू चेंज शेप विदाउट स्ट्रेस कंसेंट्रेशन एट द बॉटम। ओके, तो इसके अंदर एक पॉलीथीन स्ट्रिप भी हम कई बार यूज़ कर लेते हैं जो कि इसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो इसको अलाउ कर सके सील करने के लिए, जो चेंज इसमें शेप के अंदर चेंज की रिक्वायरमेंट है वो इजीली ये हो सके, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल ही कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।